नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है कंपटीशन कम्युनिटी में और मैं हूं आनंद कुमार। और आज के इस वीडियो में हम पिछले कुछ दिनों का नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर एनालिसिस करने जा रहे हैं। लास्ट टाइम हमने आई थिंक 23 मई तक जितने भी नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे उन सबका हमने एनालिसिस कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 24 मई से लेकर आज तक यानी कि 5 जून तक जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सब का हम यहाँ एनालिसिस करने वाले हैं। नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर का ये जो हमारा वीकली सेशन है बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होता है, क्योंकि सप्ताह भर में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जिसका मैक्सिमम चांसेस होता है परीक्षा में पूछे जाने का, उन सारे टॉपिक्स का हम यहाँ एनालिसिस करते हैं। वीकली का मतलब ये नहीं हुआ कि कुछ भी आपका यहाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक छूटेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उन सब का हम इस वीकली प्रोग्राम में एनालिसिस जरूर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप YouTube के अलावा आप हमसे डेली बेसिस पे अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इन 3 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जरूर जुड़िएगा। ये है हमारा टेलीग्राम का लिंक, इसके अलावा ये फेसबुक का लिंक और इसके अलावा ये इंस्टाग्राम का लिंक। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो यहाँ से भी जरूर जुड़िएगा क्योंकि यहाँ भी हम लोग डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स या फिर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट अवेलेबल करवाते रहते हैं जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी जरूर जुड़िएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस एनालिसिस में हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो MSMEs का जो डेफिनेशन चेंज किया गया है उस पर कैबिनेट का अप्रूवल मिल गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान की जब शुरुआत की गई थी और उसका जब अनाउंसमेंट किया गया था तो उस अनाउंसमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था, MSME सेक्टर का यहां पर डेफिनेशन चेंज किया गया था और इस डेफिनेशन पर अब कैबिनेट की तरफ से भी अप्रूवल दे दिया गया है। तो किस प्रकार से डेफिनेशन चेंज हुआ है ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए यानी कि वन डे एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के एग्जामिनेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किस प्रकार से डेफिनेशन चेंज हुआ है यहां पर एक नज़र डाल लेते हैं। MSMEs का मतलब क्या हुआ? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो जिसमें माइक्रो यूनिट का जो डेफिनेशन चेंज हुआ है वो इस प्रकार से है, 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट वाले MSMEs को अब माइक्रो यूनिट्स के रूप में जाना जाएगा। इसके अलावा स्मॉल यूनिट्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक का अगर कोई MSME सेक्टर का टर्नओवर है, वार्षिक टर्नओवर है, तो वो स्मॉल यूनिट्स में आएगा। और इसके अलावा अगर मीडियम यूनिट्स की बात करें तो 50 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट और 250 करोड़ रुपए का अगर उसका एनुअल टर्नओवर है तो वो किस में आ जाएगा? मीडियम यूनिट्स में आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका आप लोग डेफिनेशन जरूर याद रखिएगा। डेफिनेशन हो सकता है आपका प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में भी पूछा जाए। इसके अलावा अगर मेंस में MSME सेक्टर का नया डेफिनेशन के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है तो ये डेफिनेशन आपको याद होना चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ी सी बात ये भी देखते हैं कि MSME सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी में क्या रोल है प्रेजेंट टाइम पर। तो अगर हम भारत में कुल MSMEs की बात करें तो वो लगभग 6 करोड़ के आसपास है यानी कि 60 मिलियन। अगर भारत की GDP में टोटल कंट्रीब्यूशन हम MSME सेक्टर का देखते हैं तो वो लगभग 29% का है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, वैल्यू एडिशन के तौर पर आप इसका बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो मुख्य परीक्षा में। तो इन आंकड़ों को आप बहुत ध्यान से नोट कीजिएगा। अगर हम MSME सेक्टर से इंडिया में जनरेट होने वाले एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो लगभग 11 करोड़ के आसपास आता है यानी कि 110 मिलियन। और अगर हम एक्सपोर्ट में MSME सेक्टर का बात करें निर्यात में तो ये लगभग टोटल एक्सपोर्ट का 48% जो एक्सपोर्ट होता है वो MSME सेक्टर के द्वारा ही किया जाता है। तो इतनी बातों को आपको कम से कम यहाँ पर ध्यान में रखना होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, हाल ही में कैबिनेट की तरफ से इस साल का यानी कि खरीफ वर्ष 2020 और 21 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि खरीफ फसलों पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण कर दिया गया है। किस प्रकार से मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण किया गया है वो सारा डेटा आपको यहाँ पर इस इमेज में दिया हुआ है। धान पर किस प्रकार से, धान ए ग्रेड पर किस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है, 2019-20 में किस प्रकार से MSP था उसका रेट दिया हुआ है, 2020 और 21 में किस प्रकार से बढ़ोतरी की गई है और उसके बाद जो फाइनल डेटा आया है वो किस प्रकार से है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। इसके अलावा इस खरीफ वर्ष में उत्पादन की लागत क्या होने वाला है ये भी आंकड़ा आपके पास में यहाँ पर दिया हुआ है और मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि इस खरीफ वर्ष 2020 और 21 में कितने रुपए की बढ़ोतरी कौन से फसल पे की गई है ये सबसे महत्वपूर्ण वाला डेटा है। तो इसको आप लोग यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हो और यहाँ पर कितना परसेंट लागत पर इनको बेनिफिट मिलने वाला है उस परसेंट को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। तो मुख्य परीक्षा में
खासकर वैल्यू एडिशन के लिए अगर एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड, अगर फार्मर्स के इनकम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप इनका वैल्यू एडिशन जरूर कीजिएगा। इसलिए आप इस पेज को स्क्रीनशॉट लेकर जरूर रख लीजिएगा। इसके अलावा मैंने बोला ना कि आप लोग सोशल मीडिया के उस 3 प्लेटफॉर्म से भी जुड़ जाइएगा, तो वहाँ पर भी हमने इस डायग्राम को शेयर किया हुआ था ताकि आप लोगों को याद करने में और आपके पास में हमेशा नोट्स के तौर पर ये अवेलेबल रहे, ठीक है। तो यहाँ पर मिनिमम सपोर्ट प्राइस सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किस प्रकार से इस खरीफ वर्ष में बढ़ाया गया है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा ये जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है। देखिए, किसानों को यहाँ पर एक प्रकार से गारंटी दिया जाता है कि किसी भी हालत में, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, इस प्राइस के नीचे आपका फसल का कीमत नहीं जाएगा। वही होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। एक प्रकार से किसानों को भरोसा दिया जाता है कि किसी भी हालत में इतने प्राइस से नीचे आपकी फसल की कीमत नहीं जाएगी। इससे किसानों में एक प्रकार से मोटिवेशन आता है, किसानों को प्रोत्साहित किया जाता है। इसीलिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस का हर वर्ष निर्धारण किया जाता है बुआई से पहले। इस बात को ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछा गया था कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण बुआई के बाद होता है या बुआई से पहले होता है। तो हर बार जब भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण किया जाता है, चाहे रवि फसल के लिए किया जाए, चाहे खरीफ फसल के लिए किया जाए, तो वो हमेशा बुआई से पहले किया जाता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस का निर्धारण तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है, लेकिन रिकमेंड कौन करता है, तो कमीशन ऑन एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेस के रिकमेंडेशन के बाद ही जो है मिनिमम सपोर्ट प्राइस निर्धारित किया जाता है, ठीक। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो जो हमारा नेक्स्ट का टॉपिक है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना से संबंधित है। इस विकास परियोजना को शुरू किया गया था 2016 में। ये उत्तराखंड का चार बहुत ही ऐतिहासिक और पावन धाम है। उस पावन धाम को एक दूसरे से जोड़ने के लिए और रास्ता को सुगम बनाने के लिए चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना का शुरुआत जो है 2016 में किया गया था। तो अभी प्रेजेंट टाइम पर यह न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि इस परियोजना के तहत जो लगभग 900 किलोमीटर का सड़क बनाया जाना है, इस सड़क पे एक चंबा नामक सुरंग यानी कि टनल का उद्घाटन किया गया है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स में आपसे पूछा जा सकता है किस धाम में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है, कौन से राज्य में चंबा सुरंग का उद्घाटन किया गया है, तो आंसर आपको उत्तराखंड लेना है, क्योंकि चार धाम राजमार्ग विकास परियोजना के तहत इस टनल का उद्घाटन किया गया है। अब हम यहाँ पर चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि इसका उद्घाटन 2016 में किया गया था, राज्य कौन सा है, उत्तराखंड, और राष्ट्रीय राजमार्ग की टोटल लंबाई कितना होगा, इस चार धाम को जो कनेक्ट करने के लिए जितने हाईवेज बनेंगे उसका किलोमीटर होगा टोटल 900, और लागत लगभग 12,000 करोड़ रुपए का है, और कौन से चार पावन धाम को जोड़ेगा ये, तो ये आपका आ जाता है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री। हालांकि आप जब भी अगर अभी प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे तो कुछ ऐसे मौसम होते हैं, जैसे बरसात का मौसम हो गया, यहाँ पर भूस्खलन बहुत ज़्यादा होता है, तो इन क्षेत्रों में यात्रा करना बहुत मुश्किल होता है। तो पूरे साल भर इन पावन क्षेत्रों में यात्रा किया जा सके, इसीलिए इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है। और इस प्रोजेक्ट को कई बार क्रिटिसाइज भी किया गया, प्रेजेंट टाइम पर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि प्रकृति से खेल हो रहा है, फिर भी चार धाम को अच्छे तरीके से कनेक्ट करने के लिए और रास्ता को और सुगम बनाने के लिए यह परियोजना चलाया जा रहा है, चारधाम राजमार्ग विकास परियोजना। इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में कई बार क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, फिर भी अभी जो जिस वजह से यह न्यूज़ में है उस वजह से आप याद रखिएगा, और इस चारधाम यात्रा के बारे में भी आपको यहाँ पर याद रखना है। ये थोड़ा सा मैप की मदद से आप यहाँ पर समझ सकते हो, ये है आपका यमुनोत्री, गंगोत्री, यहाँ आपका ऋषिकेश आ जाता है, ये केदारनाथ और ये बद्रीनाथ, इन्हीं चार धामों को जोड़ने के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाया जा रहा है, जिसका शुरुआत 2016 में हुआ था, ठीक। चलिए इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सबसे पहले आप यहाँ पर फुल फॉर्म समझ लीजिए कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब है दी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, इसको शॉर्ट में पीएम स्वनिधि योजना कहा गया है। यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स का मतलब हो गया छोटे दुकानदार और फेरी वाले, जो घूम घूम कर हर एरिए में अपना सामान बेचा करते हैं, उनको सशक्त बनाने के लिए, यानी कि लॉकडाउन में उनको जो नुकसान हुआ है उस नुकसान की भरपाई करने के लिए और उन्हें वापस से आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस स्कीम की शुरुआत की गई है। और इस स्कीम के तहत में जो छोटे दुकानदार हैं या फिर जो फेरी वाले हैं,
वो 10,000 रुपये तक का ऋण ले सकते हैं बहुत ही कम इंटरेस्ट पे। सरकार की तरफ से यहाँ पर इनको बहुत सारा सुविधा दिया गया है और उनके लिए यह लोन बहुत ही आसान किस्तों पर और बहुत ही आसान तरीके से उपलब्ध करवाया गया है। और इस योजना के लिए केंद्र सरकार की तरफ से 5,000 करोड़ रुपये की राशि की मंजूरी भी दी गई है और यह योजना जो है मार्च 2020 तक चलेगा और इस योजना की शुरुआत जो है इसी वर्ष जुलाई महीने से होने वाली है। तो याद रखिएगा पीएम स्वनिधि योजना के बारे में और पीएम स्वनिधि योजना का मतलब क्या है इसके बारे में याद रखिएगा, किन लोगों के लिए लाया गया है इसके बारे में याद रखिएगा, किस योजना के तहत यानी कि आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लाया गया, जो भी लॉकडाउन की वजह से जो भी प्रॉब्लम या जो भी सिचुएशंस क्रिएट हुए हैं उस वजह से इस स्कीम को लाया गया है ध्यान से याद रखिएगा, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। चलिए इसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा एक और है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, G7 कंट्रीज का हाल ही में 46th मीटिंग ऑर्गेनाइज होने वाला था, सबमिट ऑर्गेनाइज होने वाला था। ये ऑर्गेनाइज कहाँ होने वाला था, अमेरिका के कैंप डेविड शहर में इसका आयोजन होने वाला है जो कि कैंसिल हो चुका है। इसका आयोजन होने वाला था 10 और 12 जून को और अगर 45th G7 शिखर सम्मेलन की बात करें तो ये प्रीवियस ईयर यानी कि 2019 में 24 और 26 अगस्त को किया गया था। बैंक के एग्जाम्स और रेलवे के एग्जाम्स में G7 का 45th जो सबमिट था उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसीलिए 46th सबमिट अगर कैंसिल भी हुआ है तो इसके बारे में आपको याद रखना है ताकि अगर परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए तो आपको यहां पर पता होना चाहिए। कहां इसका आयोजन हुआ था, 2019 में फ्रांस का बियारिट्ज नामक शहर है वहीं पर इसका आयोजन किया गया था। तो अब यहां पर यह समझने का प्रयास कीजिएगा कि G7 का सबमिट इस साल कैंसिल क्यों हुआ, तो जाहिर सी बात है एक मन में आपका जवाब आएगा कि कोविड-19 की वजह से इसका सबमिट कैंसिल किया गया होगा, ये एक रीजन है। लेकिन यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर G7 कंट्रीज को बहुत पुराना समूह बताया है, इसमें रिफॉर्म की जरूरत इन्होंने महसूस कराया है। इस आधार पे भी इन्होंने कहा कि इस साल G7 कंट्रीज का सबमिट नहीं होना चाहिए और G7 कंट्रीज में कुछ और कंट्रीज को यहां पर ऐड करने की बात कही गई है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, जिसमें इंडिया आता है, ऑस्ट्रेलिया आता है, दक्षिण कोरिया आता है और रूस। कहा गया है कि इस कंट्री को ऐड किया जाए और ये जो G7 कंट्री है इसको G10 या G11 बनाया जाए इन कंट्री को ऐड करके। तो यहां पर G7 कंट्रीज़ में कमियां बता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और कह रहे हैं कि कुछ इन कंट्रीज़ को भी ऐड किया जाए ताकि यह और सशक्त रूप से कार्य कर सके। यहां पर हम लोग थोड़ा सा G7 और G20 के बारे में भी बात करेंगे और दोनों में यहां पर हम थोड़ा सा कंपैरिजन भी देखेंगे क्योंकि कई बार बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि G7 कंट्री की जगह ही G20 कंट्री को बनाया गया था, तो इस तरह से भी डाउट आते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैं कन्फ्यूजन आपका दूर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले G7 कंट्रीज के बारे में समझ लीजिए, इसको इस्टैब्लिश किया गया था 1975 में। इसको इस्टैब्लिश किए जाने के पीछे का ऑब्जेक्टिव था कि जो वर्ल्ड लीडर्स थे यानी कि दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्रीज थे उनका एक ग्रुप था जो कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर या फिर पूरी दुनिया में शांति स्थापित करने के लिए इस ग्रुप को इस्टैब्लिश किए थे। और इस ग्रुप 7 में अगर प्रेजेंट टाइम पर आप मेंबर देखोगे तो इसमें फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, यूनाइटेड किंगडम है, जापान है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और कैनेडा है। 1998 में इसमें रूस को भी शामिल किया गया था और यह G7 ग्रुप जो है वो G8 बन गया था। लेकिन 2014 में इसमें से रशिया को हटा दिया गया क्रीमिया के मामले को लेकर और फिर से 2014 के बाद यह ग्रुप जो है G7 बन गया और प्रेजेंट टाइम पर भी G7 ही है। अब G20 क्या है, तो जब G7 कंट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया, इसको बनाया गया, तो यहाँ पर जो डेवलप्ड कंट्री थे, जो दुनिया के सबसे पावरफुल कंट्री थे वो थे। बाद में ऐसा महसूस किया गया कि अगर ट्रेड को बढ़ाना है, अगर इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना है, अगर वर्ल्ड इकोनॉमी को ग्लोबलाइजेशन की तरफ ले जाना है तो एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो डेवलप्ड कंट्री के साथ साथ उसमें डेवलपिंग कंट्री भी हो यानी कि विकासशील भी देश हो। तो इसी के लिए 1998 में एक और ग्रुप को स्थापित किया गया इन्हीं G7 ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा, जिसका नाम रखा गया G20 यानी कि इसमें 19 देश हैं और एक आपका यूरोपीय यूनियन है, इसमें इंडिया भी इसका मेंबर है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। और G7 के जितने भी कंट्रीज हैं वो भी इसके
मेंबर हैं और G20 का जो मुख्य कार्य है वो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर नजर रखना और एक दूसरे के साथ में ट्रेड करना और अर्थव्यवस्था को सुगम बनाना इसका मुख्य काम है। अगर G20 के बारे में यहाँ पर थोड़ा सा और मैं बातें करूँ तो वैश्विक अर्थव्यवस्था का तकरीबन 80% हिस्सा जो है वो इन्हीं G20 कंट्रीज के पास में है। तो G7 और G20 के बारे में बेसिक बातें आप लोग याद रखिएगा, दोनों में डिफरेंस है इस बात को भी याद रखिएगा, दोनों अलग नहीं है और ना ही G7 के जगह पे G20 को इस्टेब्लिश किया गया, दोनों अलग अलग समूह है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर फैक्ट याद रखिएगा, 2022 में पहली बार इंडिया में G20 का सबमिट होस्ट होने वाला है यानी कि ऑर्गेनाइज होने वाला है। आपके लिए यहाँ पर एक सवाल है कि 2019 का G20 सबमिट कौन से देश में आयोजित किया गया था, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। चलिए इसके बाद यहाँ पर एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की तरफ आ जाते हैं। ये हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को बूस्ट करने के लिए 3 स्कीम्स को शुरू किया गया है और ये 3 स्कीम्स किस प्रकार से है यहाँ पर आप लोग एक बार देख लीजिए। एक है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, इसके अलावा ये है क्लस्टर स्कीम और जो तीसरा है वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। कहने का मतलब है कि जो तीनों स्कीम को शुरू किया गया है ये आप वैल्यू एडिशन के तौर पर तीनों का नाम याद रख सकते हो और तीनों जो स्कीम यहाँ पर शुरू किए गए हैं वो इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए किया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरर जो है इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इंडिया में या इंडिया का मैन्युफैक्चर ही इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उनको बहुत ही जो रूल एंड रेगुलेशन है वो सिंप्लीफाई किया जा सके, गवर्नमेंट की तरफ से प्रमोट किया जा सके, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बूस्ट करने के लिए ये 3 स्कीम को यहाँ पर शुरू किया गया है। कुछ यहाँ पर मैं आपको डेटा देना चाहूँगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर को बूस्ट करने से पहले यहाँ पर कुछ डेटा भी प्रस्तुत किया गया कि 2014 से लेकर अब तक किस प्रकार से मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग या फिर मोबाइल प्रोडक्शन में किस प्रकार से इंक्रीमेंट हुआ है। सबसे पहले यहां पर हम मोबाइल हैंडसेट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की बात करेंगे यानी कि जहां पर मोबाइल का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। 2014 में सिर्फ इंडिया में 2 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे और 2019 में ये बढ़कर 200 से ज़्यादा हो चुके हैं। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखोगे नंबर्स ऑफ मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस्ड का यानी कि कितने नंबर्स ऑफ जो हैंडसेट मोबाइल हैं वो प्रोड्यूस किए गए हैं तो 2014 में 60 मिलियन और 2019 में बढ़कर ये 330 मिलियन हो गए, मोबाइल फ़ोन्स इतने बनाए गए हैं 2019 में। और अगर वैल्यू ऑफ मोबाइल हैंडसेट प्रोड्यूस देखोगे तो 2014 में ये आपका $3 बिलियन था और ये 2019 में बढ़कर $30 बिलियन तक पहुंच गया। तो ये जितने भी डेटा हैं इसका आप इस्तेमाल कर सकते हो अगर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडिया के बढ़ते कदम की तरफ अगर आप वहां पर वैल्यू एडिशन कर रहे हो तो इसका आप वैल्यू एडिशन जरूर करना। एक बात और ध्यान रखना, प्रेजेंट टाइम पर इंडिया वर्ल्ड का 2nd लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर है तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। पहले नंबर पर कौन है? चाइना, ठीक। और 2nd सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर कंट्री कौन है? वो है आपका इंडिया, ठीक। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो जो हमारा अगला टॉपिक है, हाल ही में पहली बार किसी प्राइवेट कंपनी ने नासा के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजा है। इससे पहले अगर कोई अंतरिक्ष में गया है तो वो या तो नासा की एजेंसी की तरफ से भेजा गया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्राइवेट रॉकेट कंपनी ने नासा के वैज्ञानिकों को अंतरिक्ष में भेजा है। उस कंपनी का नाम बस याद रखिएगा, वो आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। उस कंपनी का नाम है SpaceX और जिन 2 लोगों को भेजा गया है उनका नाम याद रखिएगा, डॉग हरले और बॉब बेहेंकेम। ये दोनों का नाम याद रखिएगा, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है। नासा के दोनों वैज्ञानिक है जिनको एक प्राइवेट रॉकेट कंपनी SpaceX की तरफ से पहली बार जो है वो अंतरिक्ष में भेजा गया है। चलिए इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप किया गया है, उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का नाम है पाई। किसकी तरफ से इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है? तो इसे डेवलप किया गया है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से। इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के पीछे का ऑब्जेक्टिव है कि अगर आप नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत आसानी से कर सकते हैं। और इसका जो ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा देना है। तो आपको याद रखना है अगर प्रीलिम्स में पूछा जाता है कि हाल ही में किसकी तरफ से पाई नामक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया है तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम है जो कि भारत सरकार का की एक शाखा है और जो खुदरा भुगतान यानी कि रिटेल
पेमेंट से संबंधित कार्य करता है, जैसे आप भीम UPI यूज़ करते हो या फिर NEFT यूज़ करते हो, RTGS यूज़ करते हो, ये सब कौन रेगुलेट करता है? वो आपका राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से ही रेगुलेट किया जाता है, जिसको इस्टेब्लिश किया गया था 2008 में एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में, और इसको भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से प्रमोट किया जाता है। कई बार प्रीलिम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। सेवा किस प्रकार से ये करता है, तो मैंने आपको बताया कि जो रिटेल पेमेंट्स होते हैं भीम UPI के जरिए, NEFT के जरिए या IMPS आप करते हो नेट बैंकिंग के जरिए, तो ये सारा रेगुलेशन इसके तरफ से किया जाता है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ से है। इस प्रोग्राम को भारतीय खेल मंत्रालय की तरफ से शुरू किया गया है। इस प्रोग्राम को शुरू करने के पीछे एक ऑब्जेक्टिव है कि जितने भी खेल से जुड़े हुए ट्रेनर्स हैं या स्कूल में टीचर्स हैं, उनको एक 25 दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम दिया जाए, ताकि वो स्कूल में बच्चों को खेल से संबंधित अच्छे तरीके से ट्रेनिंग दे सके, उन्हें प्रमोट कर सके। कुल मिलाकर COVID-19 में जिस प्रकार से ये महसूस किया गया कि बच्चों में या फिर लोगों में इम्यून सिस्टम अच्छा होना चाहिए, उनका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, खेल के प्रति उनका रुझान होना चाहिए, इसीलिए इस प्रोग्राम को शुरू किया गया है, खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले कोच को प्रशिक्षित किया जाएगा, उसके बाद स्कूल स्तर पे जो है वो बच्चों को ये अच्छे तरीके से ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाएंगे। इसमें जो है इस प्रोग्राम को दो मंत्रालय साझा साथ में मिलकर चलाएंगे, पहला है मानव संसाधन विकास मंत्रालय और दूसरा है युवा मामले और खेल मंत्रालय, दोनों साथ में मिलकर इस प्रोग्राम को चलाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता, यानी कि माई लाइफ माई योग कॉम्पिटिशन। हाल ही में इसका शुभारंभ किया गया, यानी कि 31 मई 2020 को इस कैंपेन की शुरुआत की गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। यह कैंपेन शुरू किया गया है जो हम 21 जून 2020 को इंटरनेशनल योग डे मनाने वाले हैं। उस योग डे में ज़्यादा से ज़्यादा लोग पार्टिसिपेट करें, इस योग डे को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया जा सके, इसीलिए एक कॉम्पिटिशन को आयोजित किया गया। इससे पहले उस कॉम्पिटिशन का नाम है मेरा जीवन मेरा योग प्रतियोगिता। याद रखिएगा, इस प्रतियोगिता का आयोजन 31 मई 2020 को किया गया, किस ऑब्जेक्टिव के साथ में किया गया है, तो 21 जून 2020 को जो इंटरनेशनल योग डे मनाया जाने वाला है उसको प्रमोट करने के लिए, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिस्सा ले सके, उसी उद्देश्य के साथ में इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। इस प्रतियोगिता का आयोजन दो एजेंसीज की तरफ से किया जाएगा, एक तो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ आयुष और दूसरा है ICMR यानी कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद। ठीक है, और इस प्रतियोगिता में फर्स्ट प्राइज 1,00,000 रुपये, सेकेंड प्राइज 50,000 रुपीज़ और थर्ड प्राइज 25,000 रुपीज़ रखा गया है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, बस प्रीलिम्स के लिए 2-3 पॉइंट्स यहाँ पर आप लोग इस प्रतियोगिता के बारे में ध्यान में रखिएगा। चलिए इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस कब मनाया जाता है? 29 मई को मनाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, और इस वर्ष का थीम भी ध्यान रखिएगा, पीस कीपिंग में महिला शांति की कुंजी, ये आपका थीम है। अगर इंग्लिश में आप इस थीम को देखोगे तो यहाँ पर देख लो, वुमेन इन पीस कीपिंग दी की टू पीस। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 29 मई को ही क्यों मनाया जाता है, क्योंकि पहला US पीस कीपिंग मिशन जो है आपका 29 मई 1948 को स्थापित किया गया था, इसीलिए 29 मई को ही प्रत्येक साल जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। 29 मई को ही मनाए जाने के पीछे का उद्देश्य है क्योंकि 29 मई 1948 को अरबियन कंट्रीज और इसराइल के बीच में जो डिस्टर्बेंस था उसको शांति प्रदान करने के लिए इस मिशन की शुरुआत की गई थी, हस्ताक्षर किया गया था, इसीलिए प्रत्येक वर्ष 29 मई को जो है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस मनाया जाता है। और प्रेजेंट टाइम पर अगर हम बात करें कि यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग मिशन में कितने सैनिक या कितने लोग इसमें लगे हुए हैं, तो 1 मिलियन से अधिक पुरुष और महिलाएं जो हैं वो टोटल, जो दुनिया में लगभग 72 पीस कीपिंग इस वक्त चल रहा है संयुक्त राष्ट्र की तरफ से, इसमें हिस्सेदार हैं और दुनिया में शांति स्थापित करने का काम कर रहे हैं। एक्चुअल में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग का इस्टेब्लिशमेंट जो 1948 में किया गया था, इसका ऑब्जेक्टिव ये था, या आज भी इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि दुनिया में जहाँ पर भी डिस्टर्बेंस है, जैसे आप बार बार देखते हो इसराइल और खाड़ी के जितने भी या अरबियन कंट्रीज़ हो गए उनके बीच में डिस्टर्बेंस होते रहता है, सूडान या फिर आप अफ्रीकन कंट्रीज़ में चले जाओ वहाँ पर डिस्टर्बेंस रहता है, तो यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग टीम
का काम ये होता है कि उस डिस्टर्बेंस में वहाँ पर पीस इस्टेब्लिश कर सकें, और इसी उद्देश्य के साथ में यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग वर्क करती है। तो इतनी बात को भी आप लोग यहाँ पर ध्यान में रखिएगा। इसके बाद यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग से संबंधित है कि एक बहुत ही और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये है हमारा संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019। पहली बार किसी भारतीय को यह अवार्ड मिला है, और यह अवार्ड मिला है भारतीय अधिकारी मेजर सुमन गवानी को, यानी कि एक फीमेल है, और यह यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग में एक बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है और पहली बार किसी भारतीय को मिला है। कौन से वर्ष के लिए यह अवार्ड मिला है? 2019 के लिए। ध्यान में रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट है यह टॉपिक। जैसे मैंने बताया कि हिस्ट्री में पहली बार यह पुरस्कार जो है किसी भारतीय को मिला है, और अगर हम मेजर सुमन गवानी की बात करें तो यह दक्षिण सूडान में एक पीस कीपिंग यूनाइटेड नेशन का चल रहा है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन मिशन इन साउथ सूडान। यहां पर यह पीस कीपिंग मिशन इसलिए चल रहा है कि सूडान से जब दक्षिण सूडान अलग हुआ, और 2011 के आसपास में ये सूडान से दक्षिण सूडान साउथ सूडान जो है अलग हुआ, उसके बाद से वहाँ पर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर पीस इस्टेब्लिशमेंट करने में सुमन गवानी ने एक बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है, बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई है, इसलिए उनको इस अवार्ड के लिए चुना गया है। ध्यान रखिएगा, प्रीलिम्स के लिए मस्ट इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए, इसके बाद जो हमारा लास्ट का टॉपिक है वो है बलवीर सिंह दोसांझ के बारे में। ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी है भारतीय हॉकी टीम का, पर्सनैलिटी थे, जिनका निधन हो गया 96 वर्ष की उम्र में। इनकी महत्वता इस बात से लगाई जा सकती है कि ये भारत ने जितने भी हिस्ट्री में चले जाओ तो भारतीय हॉकी के बारे में आपने बहुत कुछ सुना है। जिस समय भारतीय हॉकी अपने पीक पे था, यानी कि अपने उच्चतम स्तर पे था, उस समय के इकलौते जीवित खिलाड़ी थे कौन? बलवीर सिंह दोसांझ, जिनका हाल ही में निधन हो गया। अगर हम इनकी बात करें तो 1984 में लंदन ओलंपिक में स्वर्ण विजेता जो भारतीय हॉकी टीम बनी थी, उस टीम के ये सदस्य थे। 1952 में भी जब स्वर्ण पदक भारत की तरफ से जीता गया, तो उस समय ये वाइस कैप्टन थे टीम के। 1956 में मेलबोर्न ओलंपिक के दौरान बलवीर सिंह कप्तान के रूप में भी वहाँ पर शामिल थे, यानी कि जब भारतीय हॉकी पीक पे था उस समय के आखिरी सदस्य थे जो जीवित थे, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया। और इसके अलावा 1975 में ये हॉकी टीम, पुरुष हॉकी टीम के कोच भी रह चुके हैं और मैनेजर भी रह चुके हैं। अगर इनका जन्म की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 31 दिसंबर 1923 को पंजाब के हरिपुर खालसा में। तो इनके बारे में इतनी बातों को ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां से प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत अधिक तक संभावना बनती है। इसके अलावा एक टॉपिक और है जो आज एनालिसिस करना था, लेकिन मैं वो टॉपिक आप लोगों के ऊपर में छोड़ के जा रहा हूं कि आप लोग उसके बारे में पढ़िए। आज कौन सा डे है? आज है आपका 5 जून, और 5 जून को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और वर्ष 2020 का अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस का थीम क्या है, ये आपको बताना है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको ये बताना है कि पहली बार अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस कब मनाया गया। ये दो सवाल मैं आपके लिए यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ, दोनों का नीचे आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद आने पे आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों तक, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और बाकी जितने भी करंट अफेयर के सीरीज़ चल रहे हैं, मस्ट इम्पॉर्टेंट होता है ये सीरीज़, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होता है सबका हम यहाँ एनालिसिस करते हैं। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच। CGPSC की संपूर्ण तैयारी के लिए कॉम्पिटिशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।